गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे देशवासियों, समस्त 130 करोड़ भारतवासियों से आवाहन, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील आप सबने सुनी होगी। 9 तारीख को 9 दिए रात के 9 बजे अपनी बालकनी में प्रज्वलित करें। दिव्यता, अहंकार, आत्म साक्षात्कार, ऊर्जा पुंज, जनता जनार्दन, महाशक्ति, अंधकार पर प्रकाश, बीज, ऐसा लगा कि भगवान भोलेनाथ डायरेक्ट कैलाश पर्वत से लाइव हैं। और जैसे ही आप नौ दिया अपनी बालकनी में जलाएंगे, वैसे ही वेंटिलेटर्स जो है हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएंगे। जो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं वो अंतर ध्यान होकर अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाएंगे। जहां जहां राशन की कमी है वहां वहां डिलीवर हो जाएगी। जिन जिन डॉक्टर्स के पास मेडिकल इक्विपमेंट्स, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं है, जो भी हेलमेट और रेनकोट पहनकर इलाज कर रहे हैं, उन सबको बेसिक स्वास्थ्य की चीजें मुहैया हो जाएंगी। खैर, आई रियली एडमायर आवर प्राइम मिनिस्टर सो मच। उनकी ब्रांडिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स का कोई जोड़ और कोई जवाब ही नहीं है। अगर वो एक इस वक्त बुक्स होती है ना डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई कि 101 तरीके अमीर बनने के नुस्खे, तो अगर वो तो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर एक बुक पेंगुइन या किसी के साथ लॉन्च कर देते कि 130 करोड़ भारतवासियों को चूना लगाने के 101 नुस्खे, तो मुझे लगती है कि बेस्ट सेलर होती, ग्लोबल हिट होती। और फिर वो तो लंदन में भी ऑर्गेनाइज कर सकते थे, भाई मेहुल चौकसी इज देयर, नीरव मोदी इज देयर, विजय माल्या इज देयर, प्रसून जोशी उसको लॉन्च कर सकते थे। एनीवेज, हेलो राहुल जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। विरोध का कोई प्रश्न नहीं है, जितना वे आपके प्रधानमंत्री हैं उतना मेरे भी हैं। मैं तो आई रियली एडमायर हिम सो मच द वे ही इंटरैक्ट्स। भाई आज तीसरा संबोधन है इस लॉकडाउन के दौरान, क्या उन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लोगों से जुड़ी कोई बात करी? क्या उन्होंने बताया कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर्स के थ्रू बिलो द पॉवर्टी लाइन या जो लोग भटक रहे हैं उनके अकाउंट्स में मनी का ट्रांसफर कैसे होगा, ईएमआईज का कैसे होगा, इस लॉकडाउन के दौरान लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या उन्होंने कोई जिक्र किया? मैं अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती, जीडीपी की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती। ये जो ग्लोबल एक जो वैश्विक महामारी है, अगर ब्रिटेन और स्पेन और अमेरिका जैसे देशों में लोग भत्ते की मांग कर रहे हैं तो आप इसकी गंभीरता को समझते हैं? पूरी मानव जाति संकट में है, तो इसकी गंभीरता को समझिए। और स्पेन की राजकुमारी की डेथ हो गई, अगर प्रिंस चार्ल्स को हो गया ना, अगर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इन्फेक्टेड हैं, तो इसकी गंभीरता को समझिए। हेलो जगदीश जी, तो प्रधानमंत्री जी लघु कथाएं सुनाएं, ये श्लोक सुनाएं, भाषण दें, और उनके आवाहन पर यदि लोग, हो सकता है अभी तो लॉकडाउन के काफी समय बाकी है, 15 तारीख तक वो दो बार और संबोधित करें कि भाइयों और बहनों, प्रिय देशवासियों, यद्यपि मुझे 31% लोगों ने वोट दिया था, किंतु मैं 130 करोड़ भारतवासियों से आवाहन करता हूं कि जनता के हितों की अपनी अपनी बालकनी में उल्टा लटक जाएं। इससे जो है रक्त का संचार प्रॉपर होगा और रुधिर जो है धमनियों और कोशिकाओं में विधिवत जाएगा, इससे आप तमाम प्रकार के संक्रमण से, तो मुमकिन है कि ढेर सारे लोग अपनी बालकनी में उल्टा लटके हुए दिखाई दें। कल आपने बबीता फोगट का ट्वीट देखा कि आपके देशों में चमगादड़ से फैल रहा हो, हमारे देश में तो आई कांट स्पीक इवन। वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और अपनी ऑफिशियल ब्लू टिक वेरिफाइड टाइम लाइन पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनका ट्वीट क्या संदेश देता है? और बबीता फोगाट को छोड़िए, वो हरियाणा में अगर उनको थोड़ी सी भी बुद्धि है तो उनको चाहिए कि जो उनके डॉक्टर्स रेनकोट और हेलमेट पहन के इलाज कर रहे हैं, वहां हैंड सैनिटाइजर्स बांटे हैं तो खट्टर साहब का फोटो लगा हुआ है, तो बबीता फोगाट जी ही वहां कुछ सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिर्फ ये टाइमलाइन पे कमेंट करने से तो नहीं होता है। और उनको छोड़िए, जब अभी जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ तो महानायक अमिताभ बच्चन ने क्या ट्वीट किया कि भाई उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में एंटर कर रहा है, कि अगर पड़ोस के पंडित जी से भी पूछ लेते तो पता होता कि ये पूरी तरह फर्जी है, चंद्रमा उस दिन रेवती नक्षत्र में एंटर कर रहा था। उसके बाद हालांकि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन नहीं, आप थालियां फोड़िए, आप आलोचना का कोई विषय नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड बी जेन्युइन। बचपन में सुनते थे ना पंचतंत्र टेल्स या लघु कथाएं या लोक कथाएं, तो ये मोदी जी की लोक कथाएं हैं या फेक कथाएं हैं? एटलीस्ट हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होने के नाते क्वेश्चन करने का तो अधिकार है ना। आप इसको बिल्कुल आलोचना ग्रहण ना करें, ये हो सकता है कि मेरा विकार हो, लेकिन ये मात्र व्यंग है, क्योंकि मैं सहमत नहीं हूं।
नमस्ते सतीश कुमार जी, नमस्ते इमरान खान साहब। क्वेश्चन तबलीगी जमात का बहुत था। देखिए, मैं किसी भी अविवेकपूर्ण फैसले का समर्थन नहीं करती। मेरी नजर में जाकिर नायक हो या राजीव दीक्षित, अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो गुमराह करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर वो ऐसे लोगों को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझते हैं, तो ऐसे अविवेकी लोगों को मैं कहीं से भी समर्थित नहीं करती। पूरा सहयोग करना चाहिए, शासन का, प्रशासन का, स्वास्थ्य कर्मियों का, पूरा सहयोग। हेलो हनी सोलंकी जी, हेलो हारून उमर साहब, हेलो मोहम्मद शहब। मुझे लगा था प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे कि जो उनके चलते अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हुई। कल शाम को उन्होंने संबोधित किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चीफ मिनिस्टर से बात किया, तो क्यों नहीं जनता कर्फ्यू के आह्वान के पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों से इस बात को साझा किया? क्यों उन्होंने ऐसे लॉकडाउन का आह्वान कर दिया जो बगैर मुख्यमंत्रियों से कोई विचार विमर्श किए लागू किया गया? कोई दिल्ली में फंसा है, कोई बनेश 24 पे फंसा है, कोई राजस्थान का है, कोई तेलंगाना का है, कोई तमिलनाडु का है। उन 30 लोगों की मौत इस अराजक परिस्थिति और अव्यवस्था के चलते हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने इस लाइव रिकॉर्डिंग भाषण में प्रधानमंत्री जी को उन 30 लोगों के लिए खेद तो व्यक्त करना चाहिए था। अगर आप अविवेकी और अदूरदर्शी फैसले लेते हैं तो उन 130 करोड़ भारतवासियों का भविष्य जो संकट में पड़ता है, जो 38 करोड़ मजदूर सड़कों पर है, जो राशन पानी का अभाव है, एक और सरकार कह रही है कि आप 5 किलो राशन, 1 किलो चावल, तेल, और दूसरा कोटेदारों का स्पष्ट कहना है कि जहां से हम राशन उठा रहे हैं वहां हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो हमको लोगों से पैसा चाहिए। जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उनको राशन मिल पा रहा है, उसके अलावा लोगों से इसकी मांग की जा रही है। क्या इस कठिन समय में यह उचित है? आप अगर इसको देख सकते हैं तो आप समझिए। अभी भी लोग भटक रहे हैं क्वारंटाइन पीरियड में, अभी भी हजारों लोगों, करीब 30,000 लोगों को 500 बसों के माध्यम से विस्थापित किया। अहमदाबाद की अपनी कहानी है, उत्तराखंड की अपनी कहानी है। इस अराजकता, इस अव्यवस्था का किसको डिसीजन जाता है, किसका अदूरदर्शी फैसला है? भाई, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, हम एक सेटअप में है ना। राज्यसभा है, लोकसभा है, बहुत बड़ी मशीनरी है, डीएम है, एसडीएम है, आईपीएस है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर अ कॉमन डिस्कशन? अगर आप सबको इग्नोर करके चलेंगे तो व्हाट? हेलो रामगोपाल जी, हेलो रत्नाकर उमा शंकर जी, हेलो जितेंद्र वर्मा जी। तो सरकार इन द सेंस आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन का जो ये फैसला 4 घंटे के अल्टीमेटम पे लागू किया गया, ज्यादातर मजदूरों का, सैकड़ों वीडियोस हैं, ये कहना है कि व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें खबर हुई कि 3 महीने का लॉकडाउन है, किसी का हिसाब ठेकेदार ने किया, किसी को फैक्ट्री से उल्टे थोड़ा बहुत पैसा मिला, लोग अपने घरों की ओर भाग चले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो दो याचिकाएं दाखिल हुई उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि ये जो फेक न्यूज फैली, अभी जो ये फेक न्यूज फैली, इसका भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल इसकी बारे में बोला उन्होंने कि इस फेक न्यूज के चलते लोगों में अफरा तफरी हो गई और वो अपने अपने गांव की ओर दौड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक फ्लॉप हो गया, वो जो उसका मेन जो रूट कॉज था वो पर्पस उसका डिफीट हो गया। तो सॉलिसिटर जनरल, तो इवन कोर्ट ने कहा भी, सॉलिसिटर जनरल ने ये एक्सक्यूज भी दिया कि मीडिया इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल और सरकार से का अनुरोध है इस जुडिशियरी से कि मीडिया किसी भी कोरोना से संबंधित खबर को पब्लिश करने के पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे या इसको प्रॉपरली वेरीफाई करे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ताकि सरकार की नाकामियां और सरकार की कारगुजारियां लोगों के सामने ना आने पाए। अभी फेक न्यूज के चलते अगर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ये न्यूज खबर चली, क्या हम और आप सब नहीं जानते हैं कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा फेक न्यूज की जो वेबसाइट्स हैं या जो पोर्टल्स हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ट्रोलिंग का सबसे बड़ा संसाधन है, कौन सी वो वेबसाइट है और वो किस फासिस्ट विचारधारा को प्रोक्योर करती हैं, क्या आपको नहीं पता है? तो कोर्ट ने उसमें संज्ञान में लेके कार्यवाही क्यों नहीं किया? द वायर पे तो किया, द वायर पे किया, पहले भी जय शाह ने 100 करोड़ का डिफेमेशन द वायर पे किया था, अभी फिर किया। तो सुदर्शन न्यूज पे क्यों नहीं किया? वो तो काल्पनिक कथाएं दिखाते हैं, तमाम चैनल हैं जो बगदादी से गद्दाफी से आगे बढ़ते ही नहीं है। और मैं तो कहूंगी कि एनआई को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? तो जो आपको लेके चले, जो आपकी फर्जी खबरों का लगातार प्रसारण करे, वो सारा जायज है, वो सारा वैलिड है,
भाई गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जिस फेक न्यूज के चलते जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहां से वो सोर्स हुई, कैसे वो पब्लिश हुई, कैसे इतना नहीं, बट उस पर कोई बात नहीं करना है। और गवर्नमेंट के पास पूरे अधिकार हैं आईपीसी की धारा 188 के तहत, जो ये नेशनल डिजास्टर अधिनियम 2005 इसके तहत उसके ऊपर उसके पास पूरे अधिकार हैं कि वो इस अराजकता के लिए जिम्मेवार उस व्हाट्सएप को सोर्स आउट करके उस पर कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब क्या पता वो किसकी मशीनरी है, कहां से निकल रहा है। तो बबीता फोगट का ट्वीट हो या अमिताभ बच्चन साहब का ट्वीट हो, सबको ताली बजाना है, सबको थाली बजाना है, कोई फिल्म से जुड़ी हस्तियां हैं कोई, लेकिन मानवीयता का ध्यान रखें। हेलो सफद जी, हेलो विजय गुप्ता जी, हेलो अजय जी, हेलो खुर्शीद अहमद जी, अभी भी जो चीजें चल रही हैं, मैं आप सबको भी अनुरोध करूंगी अपने आसपास क्वारंटाइन का विधिवत फॉलो करें, लॉकडाउन का विधिवत फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, हैंड्स को सैनिटाइज करें बार बार, हाथ और चेहरे पर नोज पर अपने हाथों को ना लगाएं, कहीं भी जहां कम्युनिटी है, जहां लोगों का जमावड़ा है, उससे पूरी दूरी बनाए रखें। और 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी आप अपना ध्यान, हेलो शालिनी जी, फेक न्यूज पर क्यों नहीं एक्शन हुआ, यू नो वेरी वेल ये मशीनरी किसका एकाधिकार है, किसकी मशीनरी है ये, फेक न्यूज का जनरेशन कहां से है। आरएसएस की विचारधारा को मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत तमाम संघ विचारकों से मेरी डिबेट्स में मुलाकात होती थी, तो वो बताते हैं कि संघ एक साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, संघ ने कभी राजनीति नहीं की, वो वॉलंटियर है। अब ये बात विरोधाभासी है कि संघ ने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन देश के सर्वोच्च प्रमुख पदों पर, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो तमाम सारे मुख्यमंत्री हो, संघ की विचारधारा के लोग ही हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार नरेंद्र जी, हेलो जीशान जी, हेलो उत्कर्ष जी, हेलो खालिद साहब, यूपी गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एंड स्टेबलाइज सॉल्यूशंस रिगार्डिंग ऑनगोइंग क्राइसिस, काइंडली टॉक अबाउट द क्रिएटिंग प्रेशर। देखिए, रामलला को स्थापित करने के लिए से संबंधित लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो योगी जी ने खुद आचार संहिता था तब भी वो हनुमान लला के दर्शन करके उन्होंने, तो नियमों को फॉलो करना और नियमों को तोड़ना, उत्तर प्रदेश ये वही है जहां अपने मुकदमे खुद माफ किए जाते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी का गैंगवार हुआ था। लेकिन ये वक्त नहीं है, दुनिया के हालात को देखते हुए मैंने कहा ना, अगर ऐसे विकसित देश भत्ते की मांग कर रहे हैं, अमेरिका में बेरोजगारी दो गुना हो गई है और हमारे देश का रोजगार तो आपको पता ही है, यद्यपि कोरोना है मगर आप भूल नहीं सकते ना, न शिक्षा मित्रों को, न निदेशकों को, न बीएड धारकों को, न टीईटी भर्ती को आप भूल नहीं सकते ना, न आशा बहुओं को, न रसोइयों को आप भूल नहीं सकते ना, जो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो, जो तमाम इधर पर्चे आउट हुए, तो व्यवस्था वही है। हेलो पिंकू जी, हेलो अमित भारद्वाज जी, हेलो सुनील जी, फेक न्यूज आर स्प्रेड बाय भक्त्स एंड बीजेपी आईटी सेल एंड हु विल टेक एक्शन, इट्स अंडरस्टूड। देखिए, भक्ति करनी है कोई बुराई नहीं है, ईश्वर की करिए, जो परम सत्ता है, जो सर्वशक्तिमान है, किंतु आप किसी को कलयुग का अवतार समझ लें कि वही अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो मैं ऐसी भक्ति को गलत समझती हूं। आदमी को देखना चाहिए कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी हो। हेलो सचिन जी, हेलो आदित्य जी, हेलो राहुल रतन जी, हम डेली जो है ईश्वर के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को मैं अपने जीवन में इतनी महत्ता नहीं देती कि जो उसके बिना विवेक के मैं कोई फैसला करूं। हेलो यश शर्मा जी, मैंने कहा ना, मैं प्रतिदिन ईश्वर के सम्मुख दीप जलाती हूं, प्रातःकाल में भी और गोधूली की बेला में भी, और मेरा सारा समर्पण ईश्वर के प्रति है। किसी व्यक्ति को मैं ईश्वर की संज्ञा दूं और उसे इतना महान बता दूं कि मैं खुद के विवेक पर मुझे संशय उत्पन्न हो, तो ऐसी उसका मैं पालन नहीं करती। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। हेलो वारिस जी, दीप जलाने से क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, वेंटिलेटर पहुंच जाएंगे, सैनिटाइजर्स मिल जाएंगे, जो 5 किलो के आटे के पैकेट हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, उसमें आटा स्वतः 15 किलो हो जाएगा, जितने माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन सबका जो तलवार लटकी है वो सही हो जाएगी, सबकी ईएमआई पे हो जाएगी, सबके रेंट्स माफ हो जाएंगे, जीडीपी बूस्ट कर जाएगी। हेलो हुमायूं जी, हेलो जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी वेल बीइंग की मैं कामना करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टिव, अपना अपना ख्याल रखिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए और जल्द हम सब इस आपदा से मुक्त हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।